इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन भाइयों के लिए दो लाइनें कहना चाहता हूं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। है जज्बा तो कर दिखा, देखे तू अब किसकी दिशा। है जज्बा तो कर दिखा, देखे तू अब किसकी दिशा। तू दौड़ जा, तू रुक नहीं, तू दौड़ जा, तू रुक नहीं, हर मुश्किल को पीछे छोड़ जा। तू दौड़ जा, तू रुक नहीं, हर मुश्किल को पीछे छोड़ जा। फिर आएगी एक दिन ऐसी समा, फिर आएगी एक दिन ऐसी समा, जब गलियों से तू गुजरेगा। फिर आएगी एक दिन ऐसी समा, जब गलियों से तू गुजरेगा, और देख तुझे गलियों का बच्चा जय हिंद बोलेगा। फिर देख तुझे गलियों का बच्चा जय हिंद जय हिंद बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा क्रिएशन। कृष्णा क्रिएशन के एक और फ्रेश कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कारगिल शहीद स्मृति वाटिका। यह वाटिका लखनऊ में स्थित है और इस वाटिका की सुंदरता हम अंदर से आपको दिखाएंगे अभी। और ये गेट देख सकते हैं आप, तीन रंग से रंगा हुआ, तिरंगे रंग से, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर नज़ारा है अंदर का। हम आपको अंदर ले चल चल। सर्वप्रथम विनय वाजपेयी ओज कवि के द्वारा नमन जो प्रस्तुत है, हम उनको दोहराते हैं। उन्हें नमन जो देशभक्ति का भाव हृदय में भरते, जिनके पौरुष से भारत माता के भाग्य संवरते, जिनके बलिदानों से रक्षित भारत की सीमाएं, आओ भारतवासी सम्मिल उनको शीस झुकाएं, आओ भारतवासी सम्मिल के उनको शीस झुकाएं। आगे के शिलान्यास से कारगिल शहीद स्मृति वाटिका का लोकार्पण डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा माननीय महापौर लखनऊ के कर कमलों द्वारा। और ये वाटिका के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर, काफ़ी हरियाली से भरा हुआ ये दृश्य। इसी दृश्य के साथ साथ मैं अपनी चंद दो लाइनें जोड़ना चाहूँगा। ये गाथा नहीं पुरानी है जो हमको तुम्हें सुनानी है, ये गाथा नहीं पुरानी है जो हमको तुम्हें सुनानी है। कुछ वीर जवान शहीद हुए, बस उनकी बात बतानी है। कुछ वीर जवान शहीद हुए, बस उनकी बात बतानी है। मुझे पता है आप सब जानते होंगे कारगिल का वो युद्ध जो कुछ उग्रवादियों का भारत के खिलाफ युद्ध था, पर साफ तौर से प्रमाणित हो चुका है कि ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया युद्ध था। लगभग भारत के 30,000 सैनिक इस युद्ध में भाग लिए थे और भारत ने MiG-29 का इस्तेमाल किया और R-77 मिसाइलों से हमला कर पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। पर आप सबको पता है युद्ध में दोनों तरफ की हानि होती है। कुछ हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो कुछ उनके सैनिक मारे जाते हैं। इसी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के शहीद आबिद खान ने कारगिल युद्ध में घायल होने के बाद भी 17 दुश्मनों को मारे। ऐसे ही वीर पुरुष के जज्बे को देखकर मैंने दो लाइनें लिखी हैं। वो 3 मई 1999 जब लड़ पड़े कुछ कुत्ते शेरों से, 3 मई 1999 को कारगिल का युद्ध प्रारंभ हुआ। वो 3 मई 1999 जब लड़ पड़े कुछ कुत्ते शेरों से, कुछ टुकड़ों के खातिर कुछ उग्रवाद के फेरों में। वो 3 मई 1999 जब लड़ पड़े कुछ कुत्ते शेरों से, कुछ टुकड़ों के खातिर कुछ उग्रवाद के फेरों में। पर क्या होगा तुम खुद जानो, पर क्या होगा तुम खुद जानो, जब सिंह जोर से झपटेगा। पर क्या होगा तुम खुद जानो, जब सिंह जोर से झपटेगा, एक बार में 100 कुत्तों को नोच फाड़ कर रख देगा, एक बार में 100 कुत्तों को नोच फाड़ कर रख देगा। बिल्कुल ऐसा ही किया था हमारे आबिद खान जी ने। घायल होने के बाद भी 17 जवानों को, 17 दुश्मनों को मार गिराए थे वो। और आप इस टाइम देख रहे हैं लांस नायक केवलानंद द्विवेदी जी को, जिनकी प्रतिमा आपके समक्ष है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि युद्ध में हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। कुछ हमारे सैनिक शहीद होते हैं, कुछ उनके सैनिक मारे जाते हैं। इस पे मैंने दो लाइनें लिखी हैं। माओ ने खोए बेटे थे, माता ने खोया शेर पुत्र। माता अर्थात धरती माँ के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। माओ ने खोए बेटे थे, माता ने खोया शेर पुत्र, अब क्या मिसाल दूँ बापू की, जिसने खोया था सिंह पुष्प।
अब क्या मिसाल दूं बापू की जिसने खोया था सिंह पुष्प। पर उस वीर जवान के बापू क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। पर हुआ क्या जो एक पुत्र गया ना धरती शेरों से खाली है। पर हुआ क्या जो एक पुत्र गया ना धरती शेरों से खाली है। बस हमने खोया सिंह पुत्र सवा शेर तो बाकी है। पर हमने खोया सिंह पुत्र सवा शेर तो बाकी है। और जब वीर जवान कारगिल के युद्ध में लड़ रहे होंगे तो उनके मन में बस एक ही बात होगी, जब लिपट तिरंगा जाऊं मैं जय हिंद का नारा हो। जब लिपट तिरंगा जाऊं मैं जय हिंद का नारा हो। वो दिन हो देश में उत्सव का जिस दिन लाखों को मारा हो। वो दिन हो देश में उत्सव का जिस दिन लाखों को मारा हो। मेरा नाम लो वो कांप उठें, मेरा नाम लो वो कांप उठें, ऐसा कुछ मैं कर जाऊं। मेरा नाम लो वो कांप उठें, ऐसा कुछ मैं कर जाऊं। उनके भीतर झांक कर मैं, उनके भीतर झांक कर मैं कुछ ऐसी वेदना भर जाऊं। उनके भीतर झांक कर मैं कुछ ऐसी वेदना भर जाऊं। और पाकिस्तान की तरफ से अभी भी सीज़ फायर का उल्लंघन कुछ ना कुछ ये लोग करते ही रहते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ। हर बार पिटे हो तुम रण में ये मन ही मन में मनन करो। हर बार पिटे हो तुम रण में ये मन ही मन में मनन करो। मर जाओ या हो सुला तुम जतन करो ये जतन करो। मर जाओ या हो सुला ये जतन करो ये जतन करो। वरना फिर पछताओगे जब सवा शेर ये टूटेगा। वरना फिर पछताओगे जब सवा शेर ये टूटेगा। तुमने तो मारे चंद मेरे, तुमने तो मारे चंद मेरे। वो लाखों को फिर निकलेगा, वो लाखों को फिर निकलेगा। अपनी टूटी फूटी बाड़ी से जो भी मैंने लिखा था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और ये शहीद पार्क आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। इसे आप देख सकते हैं, हर जगह तिरंगे तीन रंग के कलर का उपयोग किया गया। विभिन्न युद्ध में जनपद लखनऊ से शहीद हुए सैनिकों के कुछ नाम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं उनको पुनः नमन करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ, और आप सब नमन करते हैं। भारत देश के वीर जवान जो बॉर्डर पे तैनात हैं, मेरा उनको सत सत नमन है। और जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो हमारे लिए शहीद हो गए, मेरा उनको भी नमन है, और आप सब की तरफ से भी मेरा उनको नमन है। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये टूटी फूटी चंद लाइनें आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।